हमारे साथ हैं। जी अजय भाई, आमिर खान, नमस्कार, सलाम अलैकुम। हाँ अजय भाई आवाज थोड़ी ऊंची कीजिएगा। नमस्कार आमिर भाई, आवाज आ रही है क्या? जी 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 आ रही है, कैसे हैं? जी बढ़िया है, खैरियत। जी जी मेरा भाई, साहब क्या है टॉपिक, मतलब क्या आवाज सब्जेक्ट आवाज बताया कम है आ रही है क्या? आपकी मेरा भाई। एक मिनट मैं थोड़ा हेडफोन हटाता हूँ। टॉपिक हो गया ना डिस्कस मेरे भाई, टॉपिक हमने लेकर चले हाँ हैं। हाँ 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 हाँ, तो तो जैसे इस पर आपने आपका कोई पहला वो सवाल है बताया था तो ना कि जी। नजस, सर ये जी गैर मुस्लिम या मुशरिक जो है जो शिर्क करते हैं, आप क्या ये बता रहे थे कि उनको हम नजस बोलते हैं? जी 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 बिल्कुल। अच्छा, तो किस वजह से नजस बोलते हैं उनको? इस वजह से बोलते हैं कि उनकी आत्मा पवित्र नहीं होती। अपवित्र, अच्छा नजस अच्छा कहते हैं अपवित्र चीज को। अच्छा तो जैसे ठीक है, आत्मा अगर पवित्र करके, मतलब मन अपना साफ करके, नियत साफ करके, क्या काबा हरम, काबा शरीफ में जा सकते हैं क्या क्या ये कैसे गैर करेंगे मुस्लिम? पवित्र, कैसे करेंगे पवित्र, भाई कैसे करेंगे पवित्र? हमारी नियत साफ है, हम अल्लाह को सम्मान देते हुए जा रहे हैं कि भाई ये आप लोगों नहीं, के इसको नहीं पैगंबर किया नबी साफ साहब कहते। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वहाँ पे, और नहीं, अल्लाह आप जिसको मानते हैं, हम मान रहे हैं कि आपकी आस्था का हम सम्मान करते हुए क्या जा सकते हैं वहाँ पे देखने के नहीं लिए? नहीं क्यों नहीं 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 समझना है। जब आपने किसी के घर जाना है आत्मा ना, कैसे पवित्र होगी? हाँ मैं आपको बताता हूँ। वेरी गुड, ये बात है। जी आपने ये याद रखना है कि जब आपने किसी के घर जाना है ना, तो आपने उससे जी पूछना जी है कि मैं कब आऊं, किस टाइम आऊं, आके आपको बेल दे जी दूं, या बेल घर में दूं, या फोन कर दूं, या आपको बाहर आके मिस बेल, वहां आप जी आ जाएंगे। यानी इसका मतलब यह है, कॉमन बिल्कुल सेंस की बात यह है कि दुनिया के अंदर जब आप किसी के घर जाने लगते हैं ना, तो आप उससे पूछते हैं। अच्छा, जी नंबर वन। नंबर दो, जब आप किसी के घर जाते हैं, तो आप चड्डी में नहीं जाते, कच्छे में नहीं जाते, ना जी बनियान जी में जाते हैं, क्योंकि उसका अपमान है। हाँ, अपने घर आप ऐसे मर्जी घूमें, कोई दिक्कत नहीं है, जी जी मगर किसी के जी घर आप ऐसा नहीं जाएंगे। ये एनोलॉजी अगर आप सामने रख ली, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि चूंकि वो मुसलमानों का शहर है, इस्लाम पर वहां, इस्लाम वहां नाफिज हुआ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां आए, और हमने वहां दीन की, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की स्थापना की, तो अब हमें समझना पड़ेगा कि वहां जाने के लिए हम उनके ही नियम व्यवस्था को, उन्हीं के नियम का पालन करते हुए अब हम समझेंगे कि हम आपको पवित्र समझते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप मेरे घर आएंगे, तो आप मुझसे इजाजत लेके आएंगे, मैं बताऊंगा कैसे आना है, ठीक है? आप नहीं बताएंगे, ठीक है? सिंपल। नहीं अब तो मिसाल के तौर आप पर, हाँ, बताएंगे, बट इसमें आत्मा अब मैं पवित्रता बता का देता हूँ। कहाँ से कैसे हाँ, कॉन्सेप्ट आया वो साहब? कैसे है हम बताएंगे ना, मैं बता रहा हूँ। जी मिसाल के तौर पर मैं आपको जी बताता हूँ। मिसाल के तौर पर देखें, मैं आपके घर आता हूँ, और मैंने ना अपने साथ वो रोल पकड़ा हुआ है पैक करके ना, टिफिन के अंदर। आपके घर पार्टी थी, मैं जी बीफ ले आता हूँ, जी ठीक है? बीफ खाता हूँ आपके पास, आप ठेस पहुंचेगी, मुझे पता है। या आप मेरे घर आ जाते हैं, चले मैं आप अपनी मिसाल की बजाय आपकी रख लेता हूँ। आप मेरे घर आते हैं, आप मेरे घर जो है ना, वो आकर दारू पी रहे हैं, दारू ले आते हैं साथ, या दारू पी के मेरे घर आ जाते हैं, ठीक है? अब आपकी नजर के अंदर आपकी आत्मा पवित्र है, दारू पी है ना, पवित्र नहीं, मैंने मैंने है। पूछा ना, जब आपने कहा कि पूछ के आना घर पे, मैं हाँ आपसे हाँ एग्जांपल देता हूँ कि मतलब मैं आपसे तो मैं पूछ के कहूँ, आऊँ कि आमिर साहब मैं आपके घर आना चाहता हूँ, और देखिए आप लोगों में नहीं माना जाता तो मैं दारू भी नहीं पीता हूँ, बीफ हाँ और ये पोर्क नहीं खाता हूँ मैं, ठीक है, और आपके अल्लाह ताला जिस पे आपका भरोसा, आपका विश्वास है, उसका उस पर मैं आस्था रखता हूँ, ठीक है, आपके विश्वास पे मैं आस्था रखता हूँ, तो मैं क्या देखने आ सकता हूँ कि क्या है वाकई में? नहीं, अब आप आपके फर्क नियम समझना के अपने। तहत हाँ मैं मेरी आत्मा पवित्र है या अपवित्र है, कैसे नहीं, ये डिसाइड अपवित्र होगा? है, अपवित्र है, ये डिसाइड अच्छा हम अच्छा करेंगे कैसे ना, साहब? हमारा घर है, हमारे घर हाँ है ना, हम तो आप डिसाइड बताइए करेंगे ना अपनी ना। क्राइटेरिया बताइए, जैसे हम आपका घर है क्राइटेरिया कि आप बताने घर लगा आना हूँ, चाहते हैं, सिंपल यस, एग्जांपल बताइए। सिंपल एग्जांपल मैं बता रहा आपसे हूँ पूछ के कि आपने। मतलब आपको हाँ, क्या मतलब कंफर्टेबल है, मैं दारू नहीं पीता हूँ भाई, आपको दारू अगर नहीं पसंद है, नहीं मैं पीता बताने हूँ, लगा हूँ ना, नहीं सुनो सुनो, पीऊंगा। मैं बताने लगा हूँ, मैं बताने लगा हूँ, मैं बताने जी लगा हूँ। नंबर वन, मूर्ति पूजा छोड़नी है, ठीक है? मूर्ति पूजा बिल्कुल तर्क कर देनी है, नंबर वन। और उसकी गवाही देनी है, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक नहीं है, सर, वही अब इस सबका पे थोड़ा बनाने सवाल वाला। है मेरा, थोड़ा सवाल है, नहीं थोड़ा सुने, सवाल है सुने, इसके नहीं अंदर। नहीं सुनना है मेरा भाई, सुनना है, नहीं पहले अब पहले सुनिए, सुनना मतलब है, कि एक पहले चीज फिर आपने बताऊंगा। बताया, उस पे थोड़ा हमको जो बीच सवाल में आ रहा है, टोकना नहीं है, उसको टोकना पूरा नहीं तो है, कर लीजिए टोकना सर। नहीं है, मुझे बात पूरी करने दो। टोकना तो चलता करूंगा, अच्छा, टाइम नहीं है मेरे पास, नहीं चलता नहीं करूंगा, अरे चलता टोकना तो कर ही नहीं। देंगे आपका, आपकी और यार जा ना, यार जा जा, टट्टर नहीं, इज्जत के साथ टट्टर नहीं, मुझसे पूछा ना तो मैं बताऊंगा, टट्टर नहीं। आज मेरा दिल नहीं है, आज मैं बहुत रिलैक्स मूड के अंदर, मैं जल्दी जल्दी खत्म करने निकलना है, भाड़ में जा तू, ठीक है ना, तेरी को परवाह नहीं मुझे, टर नहीं। जब बोल रहा हूं कि बीच में नहीं टोकना, तो इज्जत के साथ रुक जाना वहां, चाचा क्या दिक्कत है,
क्या दिक्कत है, ब्रेक नहीं, क्या ब्रेक फेल है? नंबर वन, अब आ जाए वापस। नंबर वन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पहला क्राइटेरिया हमारा, अल्लाह के अलावा कोई और इलाह नहीं है, वही सबका बनाने वाला है। अब कहते हैं जी अल्लाह जो है वो अरब का है, फलाने का है, हमारा क्लेम ये नहीं है, हम सब जहान का बनाने वाला एक अल्लाह को मानते हैं, उसी को लोग डिफरेंट नाम से जानते हैं। यहां तक क्लियर हो गया, अगला स्टेप होना था, अगला स्टेप क्या है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्योंकि जिस घर को देखने के लिए जा रहे हो उस घर को पवित्र करने वाला जो व्यक्ति था, जो महापुरुष था, जो सत्य में मर्यादा पुरुषोत्तम था, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो अल्लाह के रसूल थे, उनको अल्लाह का रसूल मानना पड़ेगा। अब ये दो काम कर लो, पेपर बनवा लो, सर्टिफिकेट ले दो कि ये तुमने अमिताभ बच्चन की तरह पढ़ा है या वाकई पेपर के ऊपर लिखा हुआ है कि तुम ये विश्वास करते हो, तो आ जाओ, क्या दिक्कत है, वो हमारा घर है, हम डिसाइड करें ना, दिक्कत है। तुम्हारे मंदिर के अंदर भाई दलित दुलित नहीं घुसने देते आप, हमने कभी बोला है? हम तो यही कहते हैं ना कि यार वो भी सनातनी है, जाने दो सनातनियों को, तो जाने दो, आप मुसलमान हो जाओ, हम आपको जाने देंगे, सिंपल बात। तो हमारा घर है माय लाइफ माय रूल्स। तो इतना मेरा भाई भड़कने की, अभी तुम मेरे साथ बैठे इस वक्त बात कर रहे होते, मैं सब लोगों को बता रहा हूं, ये जो नॉन मुस्लिम्स है ना या इस्लामोफोब्स हैं, डेढ़ शाणापंती नहीं करें ना यहां, एक्सक्यूज क्यों देते हैं मुझे, फिर बाद में कहते हैं जी आमिर निकाल देता, फलाना कर देता, तो ना दो मौका, मेरे साथ चलो ना, क्या मैंने गाली दी थी? यही कहा था ना, थोड़ा चुप कर जाओ, रुक जाओ, तो रुक जाते। अब बाहर बैठे हुए, मुंह उठा के बाहर फेंक दिया मैंने तुम्हें, अब क्या उखाड़ लिया, कुछ भी नहीं। तो ये याद रखो कि आपको अगर बात करनी है ना, तो मेरे हिसाब से ये अभी अच्छा कह रहा जी मैं आपके रूल, आपके घर आऊंगा, आपके रूल फॉलो कर लूंगा, तू इस स्ट्रीम के अंदर मेरी बात नहीं मान सका, तू खाना कब जाएगा? हाँ, तुझे वहां जाने दें, तू स्ट्रीम में घुसने के काबिल नहीं है, इस स्ट्रीम में घुसने के काबिल नहीं है, एक नियम फॉलो नहीं कर सका कि बीच में टोकना नहीं है और जाना है खाना कबाब के अंदर, निकल जाए यहां से, खाना कबाब जाना है।